हाँ जी दोस्तों, आज जो है वो है क्वेश्चन नंबर 60। एक्चुअली क्या है, मेरी पेन ड्राइव क्लासेस में अभी आने को थोड़ा सा टाइम है बस, और जैसी पेन ड्राइव आती है टेंशन खत्म। लेकिन इससे पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई डाउट्स होगा तो मैं यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे मैं डिस्कस करूंगा। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर 60 फॉरेक्स का क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस मैनुअल होगी आपके पास, तो प्रैक्टिस मैनुअल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस कर रहे हैं बिना टाइम बर्बाद करे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 60 एक बार समझ लेते हैं क्या। ये है क्वेश्चन नंबर 60, ज्यादा अच्छा है कि आप प्रैक्टिस मैनुअल ओपन कर लीजिए। इसमें लिखा है योर बैंक्स लंदन ऑफिस। सर क्या नाम है, योर बैंक्स लंदन ऑफिस हैज सरप्लस टू द एक्सटेंट ऑफ $5 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। एक्चुअली क्या है, हो सकता है आपका, अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो लिखा नहीं, पर यहां से समझ रहे हैं कि आपके बैंक का लंदन ऑफिस, तो आपकी कोई बैंक होगी और उस बैंक का एक ऑफिस है, और सर कहाँ है ये ऑफिस, लंदन। और वहां सरप्लस है, और कितना डॉलर सरप्लस रखा हुआ है, $5 लाख। ठीक है सर, $5 लाख रखा हुआ है। सर ये 5 लाख सरप्लस रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटे। इसका मतलब है कि आपके बैंक की एक ब्रांच है, और हो सकता है यहाँ $5 लाख है, तो किसी ने जमा किया होगा, क्योंकि आगे एक बात लिखी है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, मतलब आपके पास 3 मंथ के लिए डॉलर्स अवेलेबल है। एंड लिखा द कॉस्ट ऑफ द फंड टू द बैंक इज 4% पर एनम। इट मीन्स कि जो डॉलर है ना अभी सरप्लस, उसका कॉस्ट कितना पड़ा, उसका कॉस्ट पड़ा है 4% पर एनम। ठीक है सर, इसका मतलब कि जो डॉलर जमा है वो मेरे पास 3 महीने के लिए अवेलेबल है, और 3 महीने बाद अगर मुझे वापस करना पड़ेगा, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी ले लो, वो कॉस्ट पड़ रही है 4% पर एनम। ठीक है, और सिर्फ 3 ही महीने के लिए अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं कि मुझे 3 माह बाद 5 लाख इंटू 4% इंटू 3/12, तो मुझे 5 लाख ये और इंटरेस्ट का हो गया $5,000, टोटल मिलाकर मुझे वापस करना है $5,05,000 विथ इंटरेस्ट कॉस्ट इतना पड़ा। हालांकि आज कितना डॉलर अवेलेबल है, 5 लाख। सर तो आज जो डॉलर अवेलेबल है उसका कुछ करो ना, कुछ कमाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आखिर खाली $5 लाख, क्योंकि सामने वाले को मुझे 5 लाख 5 हजार देना है, पर 3 महीने बाद देना है, ठीक है, विथ इंटरेस्ट। तो आज जो $5 लाख है, चलो उसको कहीं इन्वेस्ट क्यों ना किया जाए। तो यहां लिखा है इट प्रपोजेस टू इन्वेस्ट, बोले हम इस फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लंदन में ही कर सकते हैं। सर लंदन में कौन सी करेंसी चलती है बेटे, यहाँ तो पाउंड चलती है। ठीक है, न्यूयॉर्क में भी तो कर सकते हैं, न्यूयॉर्क में तो डॉलर चलता है, और फ्रैंकफर्ट में भी कर सकते हैं जहाँ यूरो चलता है। ठीक है, इट मीन्स इस $5 लाख को इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर 1। और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसने कहा हम कर सकते हैं लंदन। ठीक है जी, और कहाँ किया जा सकता है, और उन्होंने कहा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसने कहा आप इन्वेस्ट कर सकते हो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, और तीसरा इन्वेस्ट कहाँ किया जा सकता है, यहां लिखता है तीसरा इन्वेस्ट किया जा सकता है फ्रैंक फर्ट। ठीक है सर, लंदन में क्या चलता है, लंदन में चलता है बिट्टे पाउंड, वैसे जरूरत ना नहीं है ये पता भी ना, और न्यूयॉर्क में डॉलर, और फ्रैंकफर्ट में यूरो।
तो बोले आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए लंदन, न्यूयॉर्क या फ्रैंकफर्ट, टू ऑप्टेन द बेस्ट यील्ड, सबसे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए विदाउट एनी एक्सचेंज रिस्क। सर मतलब बोले बैंक क्या कह रहा आपको, जहां इन्वेस्ट करो कर। एक्चुअली अगर हम ना लंदन में इन्वेस्ट करेंगे तो इस डॉलर को पहले पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर वो बोल रहा कि भाई एक्सचेंज रिस्क नहीं होना चाहिए, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, जब वापस कन्वर्ट करोगे तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है कर लेंगे। द फॉलोइंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट आर अवेलेबल एट द 3 सेंटर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ और कितने पीरियड का देखा, 3 मंथ मतलब ये पर एनम करके लिखा हुआ है आपके प्रैक्टिस में। सर लंदन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना परसेंट मिलेगा बेटे, 5%। ठीक है, न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना मिलेगा, 8%। और सर फ्रैंकफर्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 3%। द मार्केट रेट इन लंदन फॉर यूएस डॉलर एंड यूरो, ये रेट ऑफ एक्सचेंज रेट दे रखा। ठीक है देख लेंगे इसका, एट विच सेंटर विल बी इन्वेस्टेड टू बी मेट, पूछ रहा है कहां इन्वेस्टमेंट करे और आपको नेट गेन भी निकालना है। और बेटे सारा की सारा कैलकुलेशन किस में होना है, पाउंड में, जो नेट गेन है वो पाउंड में निकालना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट। सर अगर ये नेट गेन पाउंड में नहीं निकालना होता, ऐसा लिखा नहीं होता बेटे, तो भी निकालता, क्योंकि यहां से समझ लो आपका लंदन ऑफिस है, मतलब सारा काम पाउंड में ही होना, नेट गेन हमको पाउंड में निकालना। चलो जी अब सोचो बेटे, बस डिसीजन ये लेना है कि 5% कमाना है हम लोगों को, 8% कि 3%। वैसे तो आंसर बड़ा इजी दिख रहा है, 8% कमाएंगे बात खत्म, लेकिन सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, हमें करेंसी फ्लक्चुएशन भी देखना पड़ेगा। बस वही एक टॉपिक है जो यहां डिस्कस करना है। ठीक है तो पहले चलते हैं लंदन, पहुंच गए हम लंदन, लंदन में ही है, लेकिन प्रॉब्लम है यहां क्या इन्वेस्ट करना है, पाउंड, पर आपके पास करेंसी कौन सी है। सर हमारे पास तो डॉलर है, तो पहले डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, पाउंड में। तो रेट दिया है बेटे ये दे रखा, लंदन ऑन न्यूयॉर्क स्पॉट आज का, और लंदन ऑन फ्रैंकफर्ट। सर लंदन ऑन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में तो डॉलर है तो लंदन में पाउंड, तो पाउंड और डॉलर का रेट दे रखा, और यहां पाउंड और यूरो का रेट दे रखा। पर समस्या और समझो, सर ये जो रेट दिया, एक पाउंड इज इक्वल टू दिया है कि एक डॉलर इज इक्वल टू दिया है। बेटा पहली बात कॉमन सेंस तो आपको यूज करना पड़ेगा कि पाउंड जो है ना हमेशा महंगा होता, पाउंड डॉलर से तो महंगा, यूरो से भी महंगा, तो पक्का यहां पाउंड का ही रेट दिया होगा, पाउंड पाउंड एक पाउंड इज इक्वल। एक्चुअली यहां से बात समझ में नहीं आ रही है, द मार्केट रेट्स इन लंदन, लंदन में रेट है डॉलर और यूरो, पर यहां से हमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है अब स्पॉट दे रखा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो आप भी जानते हो आज के रेट से मतलब, और 3 मंथ 1 मंथ रेट हमारे किसी काम का नहीं है और 2 मंथ रेट भी किसी काम का नहीं। ठीक है सर चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्पॉट रेट, मैं यहां दोनों ही रेट लिख लेता हूं, बिड और आस्क। रेट दिया है पाउंड 1 डॉलर 1.5350 और डॉलर 1.5390। ठीक है सर अभी क्या करना बेटे, हम लोगों को पाउंड में इन्वेस्ट करना, तो पहले डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउंड में। ठीक है सर तो हम बैंक को डॉलर देंगे, हाँ पर रेट किसका दिया हुआ है, पाउंड का, तो बैंक क्या करेगा, पाउंड बेचेगा। ठीक है आप बैंक को डॉलर दोगे और बैंक आपको पाउंड देगा, और रेट किसका दिया है, पाउंड का, तो बैंक पाउंड बेचेगा, महंगे में बेचेगा। तो देखते 5 लाख डॉलर में कितना पाउंड आ जाएगा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5390। चलो निकालते हैं फाइनली, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5390, तो बेटे ये आ गया आपके पास आज पाउंड 324 324, और ये 886 886। पॉइंट के बाद में थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं, चल जाएगा, आप चाहो तो ले सकते हो, इसमें 0.28 है बाद में, तो 0.29 ले सकते हो, मैं इग्नोर करते हुए। ठीक है सर इतना पाउंड हो गया हमारे पास, यस
5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5390 तो इतना 324886। सर अब किसको क्या कर दे? बेटे इसको हमने किया इन्वेस्ट, तो इन्वेस्ट करने पे हमको मिला पाउंड 324886 प्लस इसी का कितना परसेंट मिलेगा? सर इसका मिलेगा 324886 का 5%, 3 महीने का इंटरेस्ट। तो देखते टोटल कितना हो जाएगा, 324886 इंटू 5% इंटू 3/12 इंटरेस्ट आ गया 40। अगर इंटरेस्ट का फिगर की मैं बात करूं तो इंटरेस्ट है पाउंड 4061 प्लस 324886, तो टोटल हमको 3 महीने बाद विद इंटरेस्ट पाउंड मिल गया 328947। ठीक है जी, ये था हमारा स्पॉट रेट स्पॉट, और हमको इतना पाउंड मिल गया 3 महीने बाद। हमने कहा टेंशन खत्म। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है कि भाई जहां से पैसे उठाए थे 5 लाख डॉलर, अब हमको 3 महीने बाद पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो इसका कॉस्ट डॉलर, तो हमको 5,05,000 डॉलर वापस करने पड़ेंगे, जबकि हमारे पास करेंसी कौन सी है? पाउंड। और हमें किस में दिखाना आंसर? पाउंड में दिखाना। तो सर एक काम करते, इसमें से कुछ पाउंड खर्च करके 5,05,000 डॉलर खरीद लेते और वापस कर देते। एग्जैक्टली, तो हमको अब कितने डॉलर्स खरीदना पड़ेगा? 5,05,000। तो देखते हैं कि 5,05,000 डॉलर कब खरीदना बेटे? 3 महीने बाद। तो रेट दिया हुआ है, यह रेट 3 महीने का। अब खास बात देखना, 3 मंथ रेट जो है वो ऐसे दिया 1.5350 और यहां दिखा 80, तो आपको पता ये वाली जो लास्ट वाली दो डिजिट है इसमें ये स्वैप पॉइंट्स है, और असेंडिंग ऑर्डर में तो प्लस हो जाएगा, मतलब मुझे फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए इसमें इसको प्लस करना पड़ेगा, लास्ट वाली दो डिजिट को प्लस करना पड़ेगा। तो मैं एक बार यहां फॉरवर्ड रेट लिख लेता हूं, फॉरवर्ड रेट पाउंड 1 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, जोड़ लेते 1.5350 प्लस 0.0080, तो बेटे ये आ गए 1.543 डॉलर, और 1.5390 प्लस 0.0085, तो ये आ गया डॉलर 1.5475। सर ये कब का रेट है? ये है 3 महीने बाद। तो सर हम लोगों को क्या करना है? बेटे हम लोगों को 5,05,000 डॉलर वापस करना है, तो हमें पाउंड हम बैंक को देंगे और बैंक से डॉलर ले लेंगे, और कितने डॉलर्स लगेंगे हमको? 5,05,000। तो सर इसका मतलब रेट किसका दिया? रेट दिया है पाउंड का। तो सर हम बैंक को पाउंड देंगे, मतलब बैंक हमसे पाउंड खरीदेगा। एग्जैक्टली, और खरीदेगा तो किस रेट पे? सस्ते में। तो देखते हैं कि 5,05,000 डॉलर खरीदने के लिए कितना पाउंड्स खर्च करना पड़ेगा, ये निकल जाएगा 5,05,000 डिवाइडेड बाय 1.543, तो हमें खर्च करने पड़ेंगे पाउंड 327285 ले लेते हैं, ठीक, 327285। तो इतने हमने कमाए थे और इतने हमने खर्च करके डॉलर का डॉलर वापस कर दिया, तो नेट गेन कितना हो गया? 328947 माइनस 327285, तो हम लोगों को गेन हो गया पाउंड 1662, इतना गेन है। इसको मैं बोलूंगा नेट गेन। अगर मैं लंदन में इन्वेस्ट करता हूं तो ठीक है सर, अब एक काम करते हैं ना, न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? यस। तो न्यूयॉर्क में करेंसी कौन सी चलती है बेटे? न्यूयॉर्क में तो डॉलर ही चलता है, तो डॉलर तो है हमारे पास, तो चलो डॉलर को इन्वेस्ट कर देते हैं।
हमने सीधा सीधा इन्वेस्ट कर दिया डॉलर 5 लाख प्लस कमाओगे कितना डॉलर 5 लाख का 8% कितने माह का 3 महीने का। तो बेटे ये तो सीधा कैलकुलेशन है कितना आ गया, अगर देखा जाए इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो डॉलर 10,000। तो हमने कमाया डॉलर 5 लाख 10,000 3 महीने बाद, ठीक है सर। और वापस कितना करना, वापस तो डॉलर ही करना, तो लॉटरी लग गई। वापस रिफंड, रिफंड सीधा सीधा हमने इसमें से दे दिया डॉलर 5 लाख 5,000। तो हमें बच गया कितना डॉलर, बच गया $5,000 बच गया, दैट्स इट। लेकिन समस्या बस एक ही है, उसने कहा कि कैलकुलेशन किस में होना चाहिए, पाउंड्स में होना चाहिए, और वैसे भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था। तो चलो अब सोचते हैं, मेरे पास डॉलर बच गया तो उस डॉलर को क्या करूंगा 3 महीने बाद। सर हम बैंक को दे देंगे और बदले में क्या ले लेंगे, पाउंड। रेट 3 महीने बाद ये लिखा है, बैंक क्या करेगा, डॉलर लेगा और पाउंड बेचेगा, रेट पाउंड का दिया है तो हमको इस रेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर हम डॉलर 5,000 बेचेंगे बैंक को तो बैंक हमको पाउंड बेचेगा पक्का, और पाउंड का रेट है 1.5475। तो देखते हैं 5,000 डिवाइडेड बाय 1.5475, तो ये आ गया, यहां आ गया पाउंड 3,231, ये आ गया मेरा नेट गेन। ये थोड़ा इजी था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आ गया नेट गेन 3,231। $5,000 दिया, बदले में हमने पाउंड ले लिया। सर अब कहां चले, अब चलते हैं फ्रैंकफर्ट, ठीक है फ्रैंकफर्ट चलते हैं। अब फ्रैंकफर्ट पहुंचे हम, फ्रैंकफर्ट में क्या जमा करना है, यूरो। हमारे पास कौन सी करेंसी, डॉलर। तो हमने कहा सुनो बैंक चलो डॉलर दीजिए, उसने डॉलर दिया। अब हम सोच रहे हैं डॉलर और यूरो का रेट काश मिल जाए, पर एक दिक्कत है बेटे, यहां जो रेट दिया है वो दे रखा है डॉलर, मतलब पाउंड 1 = डॉलर, और ये रेट दे रखा है पाउंड 1 = यूरो। अब करे तो क्या करे, हमको डॉलर देना और यूरो लेना है, ठीक है। तो सर अब तो एक काम करना पड़ेगा, पहले डॉलर को कन्वर्ट करेंगे पाउंड में और फिर पाउंड को कन्वर्ट करेंगे यूरो में, तभी तो यूरो मिलेगा, डायरेक्ट तो मिल ही नहीं सकता। मैंने कहा हाँ यार, पहले डॉलर को बेचेंगे और बदले में क्या लेंगे, पाउंड। कौन से रेट पर, स्पॉट, स्पॉट रेट यहां चेक करो, यहां मैंने लिखा हुआ स्पॉट रेट। तो सर कितना आएगा, हम डॉलर देंगे मतलब बैंक क्या करेगा, बैंक पाउंड बेचेगा तो ये वाला रेट, और इस रेट पे से ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका तो हमको पाउंड मिलेगा। तो हमको कितना पाउंड मिलेगा, हमको मिलेगा बेटे यही वाला आ जाएगा फाइनली, हमको मिलेगा डॉलर 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5390, तो हमको मिल गया पाउंड 324886। सर तो यहां तो पाउंड इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, हाँ बेटे अब इस पाउंड को मुझे किस में, यूरो में। अब ये रेट दे रखा है ये वाला रेट स्पॉट रेट, और ये रेट दे रखा पाउंड 1 = यूरो 1.8260 एंड 1.8290। अब सोचते हैं सर, जैसे हमारे पास तो पाउंड आ गया, बिल्कुल सही, तो हम बैंक को पाउंड दे देंगे और यूरो ले लेंगे, बिल्कुल। बैंक क्या करेगा, बैंक पाउंड खरीदेगा, आपसे पाउंड खरीदेगा और आपको यूरो दे देगा, ठीक है। तो बैंक पाउंड खरीदेगा, खरीदने का रेट ये, क्योंकि बेटे रेट जो दिया ना उसके साथ बैंक क्या करेगा, खरीदेगा सस्ते में। तो देखते कितना यूरो मिलेगा, पाउंड 324886 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8260, तो ये आ गया यूरो 324886 इंटू 1.8260। तो बेटे अब ये आ गया यूरो 593242, इतना यूरो मिल गया हमको 593242। सर अब क्या, अब तो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब हमने यूरो इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट, और जैसे यूरो इन्वेस्ट किया तो हमको मिलेगा जितना जमा किया था 593242।
5932 प्लस 593242 का कितना परसेंट भाई? 3%। कितने माह का? 3 मंथ्स का। तो 593242 का 3% इंटू 3/12। तो बेटे ये आ गया इन सबका यूरो, और सर कितना यूरो आ गया? 4449 ये आ गया यूरो। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, प्लस 593242। तो अब यूरो हो गया हमारे पास 597691। हम बहुत खुश है, हमने इतना यूरो कमा लिया। कब कमाया सर? ये कमाया आपने 3 महीने बाद। एग्जैक्टली। अब क्या होगा? बस खत्म। डॉलर वापस करते 5,05,000, यूरो खर्च करते डॉलर। पर एक बात है, यूरो और डॉलर का रेट दिया नहीं है, तो सबसे पहले यूरो का कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? पाउंड में। और कब का रेट लेना है हमको? 3 महीने बाद का। अब यहां फोकस करना अच्छे से बेटे, ये है स्पॉट, ठीक है, इसको हटा देता हूं। और ये है स्वैप पॉइंट्स। पहली बात कि स्वैप पॉइंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो माइनस होगा। तीसरी बात, जो डिजिट यहां है ना 3, तो ये 3 से माइनस होगा, ठीक है। तो अगर मैं अच्छे से लिखूं, पाउंड 1.8260 माइनस 0.01145, तो ये आ गया यूरो 1.8115। दूसरा वाला रेट भी 1.8290 माइनस 0.0140, ये आ गया यूरो 1.815। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी क्या करना? यूरो को कन्वर्ट करना किसमें? पाउंड में। तो बेटे हम क्या करेंगे? हम बैंक को यूरो देंगे। बैंक क्या करेगा? रेट किसका दिया? पाउंड का। तो बैंक पाउंड बेचेगा, तो ये वाला रेट यूरो 597691 डिवाइडेड बाय यूरो 1.815। तो 597691 डिवाइडेड बाय 1.815। तो अब हमारे पास पाउंड आ गया 329306, ठीक है, इतना पाउंड है। अब पाउंड आ चुका, अब दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसमें से कुछ पाउंड खर्च करके डॉलर खरीद लेते हैं। बिल्कुल सही, 3 महीने बाद। सर ये तो हमारा निकाला हुआ है कि कितने पाउंड। हाँ बेटे, पहले ऑप्शन में चेक करो, यहां भी हमें 5,05,000 डॉलर खरीदना था 3 महीने बाद। तो ये रेट दिया, इसमें से इतना खर्च हुआ था 5 लाख। तो चलो ना, जो आया है उसमें से इतना खर्च हो जाएगा पाउंड खरीदने के लिए। तो खर्च हो गया 327285। तो चलो नेट गेन कितना बचा? 329306 माइनस 327285। तो बेटे नेट गेन आ गया पाउंड 2021, ये आ गया नेट गेन अगर आप फ्रैंकफर्ट। सर अच्छा क्या बेटे, बात वही है, रेट थोड़ा सा ज्यादा था, तो अच्छा न्यूयॉर्क ही है कि न्यूयॉर्क में आप जमा कीजिए, ज्यादा कमा लोगे। सर एग्जाम प्रैक्टिस मैनुअल ठीक है? हाँ बेटे, बस प्रैक्टिस मैनुअल में यहां थोड़ी सी गलती कर रखा है। यहां उसने 593250 लिया है, हालांकि कैलकुलेशन मिस्टेक। इसमें भी अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल, अगर डाउट है, बिड आस्क का अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, अगर डाउट है तो पक्का आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन और नहीं बन रहा तो पक्का आप मुझे बताओगे, मैं क्लियर। थैंक यू।